स्मृति पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः वो भिन्नता क्या होगा आप कहने का
पाली शंका करेगा जब वृत्ति नहीं उठना है तो जागृत में भी जैसा मन मतलब सुषुप्त में जैसा मन ऐसे मन होगा, बोलते नहीं ऐसे नहीं होगा, क्या मन होगा उसको लेकर के 34 से शुरू होगा। देखिए टीका का ग्रंथ मतलब अगला कार्य का लिए उपखाते हैं, मोक्ष मानस ज्ञान फलम सर्ववत न परक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम। ठीक है, ये देखिए ये है मुक्ति की इच्छा चाह रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का मोक्ष मान मुक्त होने जा रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का वो जो मुक्ति ज्ञान का जो फल है ना वो सर्ववत सर्व समान न परक्ष परक्ष ज्ञान नहीं है जब कब होगा कैसे होगा किसे परक्ष, परंतु ज्ञान का फल अभी और यहाँ, जैसे खाना खाया तृप्ति बाद में नहीं होता, तृप्ति का अनुभूति होती है, इसलिए बोलते हैं न परक्ष केतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम, तृप्ति के समान बस तुरंत आपको अनुभव में आने वाले, तुरंत आपको अनुभव में आने वाले, इसलिए बोलते हैं ये मोक्ष मानस ज्ञान बलम सर्गवत मुक्ति मुक्त होने जा रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति का ज्ञान जो है ज्ञान रूपी जो फल है, ज्ञान का फल ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, ज्ञान रूपी जो फल है या फिर ज्ञानस्य फलम नहीं बोलेंगे, ज्ञान एव फलम ज्ञान फलम कर्म का समझ करेंगे, जो हमारे सिद्धांत है उसी को रखेंगे, तो इसीलिए सर्गवत वो ज्ञान वो सर्गवत मतलब सर्व के समान न परक्ष वो परक्ष ज्ञान नहीं होता, वो क्या मतलब बाद में देखेंगे कालांतर में लोकांतर में होगा ऐसे नहीं है, किंतु तृप्तिवत जैसा हमको कुछ भोजन करते हैं कोई वस्तु प्रत्यक्ष मान को समझ में होती उसी समय समझ में आ रहा है। आठ नंबर के टिप्पणी में देखिए बोलते हैं मोक्ष मानस इत्यत्र मोक्ष मानस इति पाठांतरम, समझ में आया दोनों की भिन्नता था, एक है एक्टिव पार्टिसिपल है एक पैसिव पार्टिसिपल है, अपना ही कभी है ना, मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कहते हैं मोक्ष मान और टिप्पण कर दो एक बात देकर के पाठांतर ऐसे भी कहते मेरा अपन को मोक्ष मान अतस्य प्रकृत ज्ञान फलस्य मन निरोधस्य प्रत्यक्षत्व अर्थम प्रसंगम प्रो करोगी, इसलिए क्योंकि ये ज्ञान का फल क्या होगा आपको सब तक उस समय ही आपको अनुभव में आ जाएगा तृप्ति फल जैसे, इसलिए अगर प्रकृत ज्ञान फलस्य ये जो आत्मज्ञान है इस ज्ञान का जो फल है ज्ञान रूपी जो फल है उसका वो कैसे होगा मन निरोधस मन निरोध से जो व्यक्त मन निरोध प्रत्यक्षत्व अर्थ वो जो है आपको अनुभव में आने वाला विषय है, इसलिए प्रसंग इस प्रसंग को प्रकृति प्रकोप में देखते हैं मतलब इसको अभिव्यक्त करते हैं इनको समझाते हैं। तो देखिए अभी 9, 10, 11, 12, 13 5 की इसी लाइन के ऊपर है, अतश्च अतश्च मतलब अतो परोक्ष फलत्व अभावात एव, अब देखिए यद्यपि टीकाकार वहाँ पे बोला कि न परोक्ष किंतु तृप्तिवत, यहाँ पे देखिए टिप्पणी का परोक्ष फलत्व अभावात, ये नहीं बोलना कि प्रत्यक्ष फलत्वात, ये नहीं बोलते प्रत्यक्ष फलत्वात, अब ये नहीं बोलते परोक्ष फलत्व अभावात, क्योंकि प्रत्यक्ष विषय रूप में अनुभव नहीं होता ना, परोक्ष नहीं है हमारे पास तीन शब्द है प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष है ना, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियगम्य, परोक्ष मतलब सामने इंद्रियगम्य नहीं है, अपरोक्ष मतलब इंद्रियगम्य भी नहीं है और दूर भी नहीं है, अन्न जो घटपट आदि विषय रूप ज्ञान होता है और अभी जो है विषय का ज्ञान नहीं नॉट द ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज द सब्जेक्टिव नॉलेज, इसलिए देखिए आप लिखते हैं प्रकृत इति आत्मा इति अर्थ अनेन घटादि ज्ञान व्यवच्छेद, इससे क्या दिया घट पट मर जो विषयात्मक ज्ञान होता है उसको अलग करना चाहते हैं, इसलिए तब प्रकृत जिसको लेकर के विचार चल रहे आत्मा स्वरूप का बोध कैसे होगा, घट पट के ज्ञान जैसे नहीं होगा जब तक हमारे मन में जो भावना रहेगा, रहता ही है वो दिखता, अरे हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहे
अब समझने के ज्ञान नहीं आपको, मतलब आपको अभी तक ठीक बोध नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आना है, समझ में आएगा पर विषय रूप में समझ सामने नहीं आ रहा है, लगता है कि आज कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको समझ में पूर्ण आएगा परंतु विषय रूप, एक मन का अभ्यास बना हुआ है कि विषय रूप में जानूंगा, परंतु ये ज्ञान घटपट जैसा ज्ञान नहीं है, सीधा बोल दिया जैसे घटपट विषय रूप में है, इसलिए प्रकृति आत्मा अनेक घट आदि ज्ञान व्यापक इसलिए क्या होता है घटपट आदि ज्ञान को मिलकर अलग कर दिया। फिर मनोनिरोधस से ये ज्ञान किसका फल है, ये ज्ञान मनोवृत्ति को विरोध करने का फल है। मनोवृत्ति मन जब बाहरी वक्त संबंधित वृत्ति नहीं होता था उस समय शुद्ध मन की जो स्थिति है उसको लेकर के बोला किसे बोलते हैं मनोनिरोधस्य, उसका देखिए परिकार बोलते हैं कि ननु अस्य बड़ा बहुत अच्छा चीज बोला कि अस्य अनित्यत्व ब्रह्मज्ञानस्य नित्य फलत्व उच्यते जीवन मुक्ति विध मुक्ति भेद ज्ञान बलस्य दैविध्यम तत्र आत्मस्य मनोनिरोध उपलक्षितस्य देहादि वैशिष्ट्येन अनित्यत्वे अपि द्वितीयस्य निरुपाधिकस्य नित्यत्वात् अदोष। ये बहुत समझ यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं मनोनिरोधस्य, देखिए क्या होता है ध्यान प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करते हैं मन को रोकने में, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति के एक प्रकार नहीं, एक प्रकार नहीं होता, चाहे एक ही विषय को ध्यान कर रहे हैं परंतु अभी व्यक्ति उनके सामने अपने इष्ट की अथवा उपास्य देवता की उतना होगा जितना मन उनके प्रति एकत्र होता है। अपनी जन्मांतरी कर्म के अनुसार अपने संस्कार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मनोनिरोध की ज्ञान से भी अलग अलग है। और दूसरी बात क्या है, जिस व्यक्ति ने पहले उपासना कर रखा उस व्यक्ति के जीवन मुक्त अवस्था की आनंद, और जिस व्यक्ति ने उपासना नहीं किया वैराग्य के बल से प्राप्त किया मनोनिरोध पूर्ण रूप से नहीं हुआ आसना नाश पूर्ण नहीं हुआ उसका जीवन मुक्ति के आनंद में भिन्नता होती है, उसके जीवन मुक्ति का आनंद में भिन्नता होती है। इसीलिए देखिए बोलते हैं ये जो ये शास्त्र कितना कितना सूक्ष्मचित बताता है ननु अस्य अनित्य तभी मनोनिरोध जो है ना अनित्य है। आज हमने बहुत अच्छा ध्यान किया एक ही व्यक्ति कल हो सकते हैं किसी निमित्त के कारण मन उतना बैठ नहीं रहा, जब भी मैं बोलता हूँ जब करने वाले को भी देखिए आपको आज सुबह जब करना बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल किसी निमित्त से इतना अच्छा नहीं लग, क्यों वो मन के ऊपर निर्भर करते हैं। और फिर रात आपका पहला दिन का भोजन रात की विश्राम अन्न अनुक्रिया सब मिलकर के स्थिति ऐसी होती है लगातार कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है कभी कुछ ऐसे भी करते कोई समय ऐसा आता है ठीक नहीं चलता है। ठीक जीवन मुक्त पुरुष में भी ऐसे ही, जीवन मुक्त पुरुष में भी ऐसे ही, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ननु अस्य अनित्यत्व ब्रह्म ज्ञानस्य अनित्य फलकत्व ब्रह्म अनित्य फल, क्योंकि मनोनिरोध के ऊपर आपका ब्रह्म ज्ञान है और मनोनिरोध एक प्रकार नहीं जो रहेगा फलत क्या ब्रह्म ज्ञान में अनित्यत्व आ जाएगा, मतलब ब्रह्म भाव में जो आपकी व्यापक दर्शन बताए पूर्ण इस अनित्यत्व का मत हमेशा एक नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं ननु अस्य अनित्यत्व ब्रह्म ज्ञानस्य अनित्य फलकत्व से अदिति चेत, यदि ऐसा कहते हो देखो भाई हम इस विषय में बोलते हैं हम आपकी बात को मानते हैं परंतु ज्ञान के फल को दूर करने में विभाजन जाने का एक जीवन मुक्ति स्थिति विधि कैवल्य स्थिति, जीवन मुक्ति स्थिति प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, विधि कैवल्य में कोई प्रारब्ध नहीं, विधि कैवल्य में कोई प्रारब्ध नहीं, इसलिए वहाँ की स्थिति एक ही है। ये चीज आपको सामान्य भाष्य टीका से नहीं मिलेगा, टिप्पणी करके विशेष मधुर चर्चा की गुप्त बनाया है और उसमें सत्य भी इसको फोकस करते हैं बहुत सुंदर को समझा। ये जो मनोनिरोध के ऊपर आपको बोलते हो कि मनोनिरोध क्योंकि जिसको ज्ञान हो रहा है वो कैसा किंतु उपास्य पुरुष है अथवा तीव्र वैराग्यवान पुरुष है, तो तीव्र वैराग्य से भी ज्ञान विवेक वैराग्य से ज्ञान हो जाएगा परंतु प्रारब्ध के नहीं किया वो प्रवध नहीं जाएगा, किंतु उपास्य पुरुष का मेंटल मैच्योरिटी अधिक होता है वैराग्यवान पुरुष कभी कभी उसके कभी कभी खूब भी दिखाई दे सकता है, ये जो उसके पुरुष शांत है क्योंकि भगवान के प्रतिमान भी दिखता है उपासना का भी आया ना अंधकार शुद्ध ये दोनों विभाजन किया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि तीव्र वैराग्य के फलस्वरूप विवेक वैराग्य के फलस्वरूप ज्ञान उत्पन्न हुआ परंतु जीवन मुक्ति अवस्था में भिन्नता दिखाई पड़ा, एक दिन को शांत को संकल्प था उसका बिल्कुल थोड़ा सा मतलब अपने कर्म का अनुसार मनुष्य दिखाई पड़ता है तो कोई बात नहीं ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है। आप ये देखिए जो हमारे क्या जो योगवाशिष्ठ में ज्ञान के साथ भूमि दिखाया है ना,
उसमें विश्वास सब भूमि में क्या क्या लिखे शुभेच्छा दोनों मानस सत्ता प्रति असंशक्ति पदार्थ भवनी अद्भुत। आप यहाँ भी देखिए ज्ञान में भिन्नता नहीं है, ज्ञान एक ही है परंतु जीवन मुक्त पुरुष की प्रारब्ध की भिन्नता के कारण सत्ता प्रति अवस्था में क्या होता है अपने आप समझते हैं बोध है और दूसरे को पुरुष भी करते हैं। फिर जो है उसके बाद पदार्थ भवन मतलब होता है कि अपने ही प्रारब्ध समाधि मन रहता है के निमित्त से मन जो है बाहर आता है छठा नदी में जाता है अपने आप होता है। उसके बाद वाला स्थिति है असंख शक्ति मन का क्या होता है कोई आके बुलाते हैं तब तो उठता है नहीं तो नहीं उठता। और दूरी का अवस्था क्या है कोई बुलाए फिर भी मन उठता है ठाकुर जी का जीवन में तो सब अवस्था दिखाई देता है। ऐसा भी स्थिति वो मन भोजन दिलाने के लिए हाथ में उसको आघात करना पड़ता है शरीर इतना ही भाव नहीं आता ऐसा। इसीलिए ये जो है मतलब जीवन मुक्त पुरुष के प्रारब्ध की भिन्नता के कारण ये जो है स्थिति की शरीर की स्थिति की भिन्नता दिखाई पड़ता है। ज्ञान की भिन्नता नहीं है ज्ञान का स्थिति जो लेकर के ज्ञान की ज्ञान एक ही है मनोवृत्ति को पर निर्भर करके भिन्नता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जीवन मुक्त अवस्था में भिन्नता होने पर भी विधि कई बल में कोई भिन्नता नहीं होना। अनेक तत्व ब्रह्म ज्ञान से अनेक फल तत्व से अनेक मनोनिरोध जो है वो हमेशा एक प्रकार नहीं रहता परंतु ब्रह्म ज्ञान की भी जो अनित्व जैसा दिखाई देता कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा इस बीच यदि हम ऐसा कहते हैं उच्चते सुन हमारे उत्तर जीवन मुक्ति विधियों मुक्ति भेदे न दो मुक्ति बोल रहे हैं जीवन मुक्ति भेद और एक विधेय कही सकते हैं। इस भेद से मुक्ति भेदना ज्ञान फल से नैवित्थम ज्ञान का फल को दो प्रकार से दिखाई देता परंतु जीवन मुक्ति अवस्था में भिन्नता होने पर भी विध कई बोल में कोई भिन्नता नहीं वो एक ही प्रकार होगा क्योंकि जीवन मुक्ति अवस्था में प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है और विधेय कई बोल में कोई प्रा शरीर नहीं है प्रारब्ध नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि मुक्ति भेदे न ज्ञान फल से नैवित्थम तत्र आद्यस्य आद्यस्य मतलब जीवन मुक्ति आद्यस्य मनोनिरोधक उपलक्षितस्य पहला जीवन मुक्ति क्या है मनोनाश और वासना क्षय इसके ऊपर निर्भर करके जीवन मुक्ति का आनंद निर्भर करता है। इसके तरह उपलक्षित होते हुए भी देहादि वैशिष्ट्य अनित्यत्व भी शरीर की प्रारब्ध भी देहादि वैशिष्ट मतलब शरीर इंद्र मन बुद्धि की प्रारब्ध के अनुसार जो विशेषता उसके अनुसार जीवन मुक्ति फल में थोड़ा भिन्नता दिखाई देने पर भी देखिए जीवन मुक्ति स्थिति में रमन महर्षि को देखिए स्वामी विवेकानंद को देखिए दोनों ज्ञानी थे ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है एक व्यक्ति बस अपने में रहना कुछ स्वामी का सारा विश्व को पूरा हिला दिया है कि नहीं। इसी प्रकार से जो है इस अवस्था में भिन्नता होने पर भी मुक्ति में कोई भिन्नता नहीं है वैशिष्ट्य न अनित्यत्व भी द्वितीय मतलब वैद्य विधेय का ही वर्ण द्वितीय निर्वाधिक नित्यता वो तो नित्य है और दोष इस किस्म कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं। अब ये जो है ये भी जो बोला जा रहा है ना ये देखने वाले के दृष्टिकोण आश्रय का जो बोला जा रहा है ज्ञानी की दृष्टि से ये भी नहीं है तो शरीर का प्रभाव तो मानता ही नहीं है प्रारब्ध भी हो गया उनकी दृष्टि से ये भी नहीं है प्रारब्ध भी नहीं है ब्रह्मवासी का था राजा दशरथ के कितने पत्नी थे तीन पत्नी थे लेकिन राजा दशरथ के तो राजा दशरथ गुजर गए तो दो पत्नी विधवा हो गई और एक सुमंगली रह जाएगी। इसी प्रकार से हमारा हम लोगों की तीन पत्नी हैं एक संचित कर्म एक प्रारब्ध कर्म एक क्रियमान कर्म तो संचित कर्म नाश हो जाएगा और क्रियमान कर्म नाश हो जाएगा प्रारब्ध कर्म जिंदा रह गए हो सकता है क्या ये नहीं हो सकता ये भी गया हम तो ये ज्ञानी के दृष्टि से वो अपने दृष्टिकोण से मतलब देखने वाले की दृष्टि को अपेक्षा रख करके ये बोला जा रहा है। ठीक है तो यहाँ पे मनोनिरोध उपलक्षित देहादि वैशिष्ट्य अनित्यत्व भी पहला वाला जीवन मुक्ति स्थिति वो जो है शरीर के साथ शरीर की अवस्था प्रारब्ध के अनुसार भिन्नता होने पर भी द्वितीय निरुपाधिक नित्यत्व न दोष यहाँ पे कोई भिन्नता दोष नहीं है प्रत्यक्षत्व अर्थम प्रसंग प्रकृति इस प्रकार से इसको हमारा अनुभव में कैसा है उसी प्रसंग को स्पष्ट करते हैं। 12 नंबर प्रसंग सार्थ श्लोक भूमिकाम रचयति इस श्लोक में जो है श्लोक को हमने नहीं पढ़ेंगे अभी देव श्लोक के द्वारा भूमिका करते हैं है ना और उसको प्रकट करते हैं आधा श्लोक के द्वारा प्रकट प्रकट यदि पाठांतरम
प्रकृति मतलब प्रकट है तो उसको स्पष्ट करके सामने दिखलाते हैं। अब श्लोक में आए निगृहीतस्य मनसो निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः सतु विज्ञेयः सुषुप्त्यन्योन तत्समः निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः सतु विज्ञेयः सुषुप्त्यन्योन तत्समः। ऊपर वाले लाइन में सारा सृष्टि उपज है और मन उसका विशेष है, बाकी तीन विशेषण है। मन का कौन सा मन का निगृहित है ना, जिस मन को आपने निगृह कर दिया और क्या हो गया निर्विकल्प, फल क्या होता है वो अब सुसम लेकर के विकल्प नहीं करता, ये है ये हो सकता, संकल्प विकल्प नहीं करता। धी मन अब मन का दृष्टि कैसा है, विवेक पूर्वक देखना शुरू किया धीमतः मनस निगृहितस्य निर्विकल्पस्य धीमतः मनस, मतलब जो मन विरोध हो गया, जो मन अभी कोई विकल्प नहीं करता, इस प्रकार विवेक दृष्टि संपन्न मन का, इस प्रकार विवेक दृष्टि संपन्न मन का सारसृष्टि है नाम अधिकार सारसृष्टि विभक्ति है, इसलिए भी उस प्रकार के मन का प्रचार हाउ इट्स फंक्शनिंग व्हाट इज इट्स स्टेटस, ये प्रचार सब ये सब आ जाएगा, आचार विचार ये सब प्रचार के अंदर आ जाएगा। क्या व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है मानव समय सतु विज्ञ है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बाकी बोलते हैं अरे जब मन वृत्ति बंद कर दिया आपने सुषुप्ति का दृष्टांत देते हो, क्योंकि आपने क्या बोला कि जागृत को सुषुप्ति बना दो, तो जागृत को सुषुप्ति बनाओगे तो सुषुप्ति में जैसा क्या करते मन में कोई वृत्ति नहीं होती, तो इस समय भी ऐसे ही होगा, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुषुप्ति से क्या भिन्न है, सुषुप्ति है अन्न, सुषुप्ति में जैसा मन की विकार होता है उससे भिन्न है, सुषुप्ति अवस्था में जो मन की प्रचार होता है उससे भिन्न, बचा ना तो उसकी फंक्शन होता है उससे भिन्न है। न तत्सम ये निरुद्ध समान नहीं है, ये भिन्न है, क्या भिन्नता है, सुषुप्ति में अज्ञान में बीज अवस्था में सब कुछ लय प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या होता है वो अज्ञान के बीज जल जाके सत्य हो जाता है, इसीलिए अज्ञान का बीज रह जाता है, इसलिए उठ करके फिर शरीर के साथ आराम करते हैं। सुषुप्ति जागृत में बैठ के जो सुषुप्ति जाएंगे तब कहेगा अज्ञान का बीज नाश हो जाएगा, वो जो तादात में छूट जाएगा फिर तादात में बट ईश्वर की रहने पर भी फिर तादात में करेंगे, ये दोनों में भिन्न है। सुषुप्ति अन्य सुषुप्ति में जैसा दिखाई पड़ता है उससे भिन्न है, न तो सम मतलब निरोध अवस्था में जैसा उसके समान नहीं है, ये दोनों भिन्न वस्तु, ये प्रचार की मनोवृत्ति को रखा ध्यान करके धीरे 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 आप हो सकता है रोज ऑब्जर्व करते करते इतना पता नहीं लगे, परंतु जिस समय आपको कभी लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है कि अभी बार में क्या करूँ, ऐसा ना कि एक दिन आपको अपने आप अंदर से लगेगा मनोवृत्ति में इतना परिवर्तन हो गया, कोई विषय को देख करके पहले जैसा मन में भाव उठता था अब मन में से नहीं, आत्मा भी बार बार विदम चिंतन विचार करते करते मन में ऐसा परिपक्वता आता है कि विषय को देख करके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं है, विषय अपनी जगह पे है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि शरीर भी आपके सामने विषय बन जाएगा, इसलिए इसकी विकार को भी आपको उतना परेशान नहीं करेगा। आप जानते हैं प्रारब्ध के निमित्त से आया हुआ है और प्रारब्ध के निमित्त से जाएगा, यदि नहीं जाएगा तो यदि प्रारब्ध में लिखा ही रहेगा तो कितना भी हम डॉक्टर भी इसके खिलाफ तब ये निश्चय हो जाता है, तब फिर क्या हो जाए उसको लेकर के मन में कोई मतलब विकार विक्षेप कुछ भी नहीं होता, चलो देखते हैं तो देखिए इस प्रकार से जो है इस प्रचार को मन की स्थिति को समझना, तो देखते ही कस्य मनस निर्विकल्प धीमतः प्रचार सत्य धीमत निगृहित मन जो विकल्प नहीं होता, इस प्रकार विवेक दृष्टि संपन्न मन के प्रचार को समझना चाहिए, विज्ञेय जानना है आत्मा वाले दर्शन करके वो मन अधिष्ठान के साथ एक हो गया, अभी अब देखो उसकी क्या स्थिति है, कोई बोलेगा भाई जिन्हारे आपने कभी बोला जागृत सुषुप्ति बना दे सुषुप्ति में समान मन हो जाएगा,
न सुषुप्ति अन्न, सुषुप्ति में जैसा मन रहता है उससे भिन्न है न तत् समय समाधि आपका मात्र निर्विकल्प और समाधि आपका जो हमारा जागृत में जो सुषुप्ति है उससे भिन्न है ये निरुद्ध मन को भिन्न है। आप देखिए मास्टर का कितना सुंदर स्वामी है। अच्छा भाटिका का श्लोक न तस् विज्ञेयत्म सुषुप्ति प्रसिद्ध गति आशंक इस प्रकार मन की जानने के क्या आवश्यकता है, इस प्रकार मन की जानने का कोई आवश्यकता नहीं होगी। सुषुप्ति में समान तो केवल बोध और अनुभव में आता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। साधन से मन की स्थिति में आता है, सुषुप्ति में जाते हो प्रारब्ध के अनुसार और प्रारब्ध को बदल करेगा अपने मन पर सच चला है मन नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं शंका का न तत्व विज्ञानम, इसमें जानने के लायक कुछ है नहीं। सुषुप्ति प्रसिद्ध मन की इस प्रचार को सुषुप्ति में प्रसिद्ध है ऐसा कोई शंका का प्रश्न होता है नहीं नहीं। सुषुप्ति अन्न सुषुप्ति में जो मन का प्रचार होता है भिन्न होता है अवस्था में न तत् समो ये उसके समान नहीं है, ये उसके समान नहीं है। यहाँ पे देखिए टिप्पणी का क्या बोलते हैं न तत् समय भी है ना, न तत् समय के मतलब वो निरुद्ध समान नहीं है, निरुद्ध मन विवेक दृष्टि संपन्न मन के समान नहीं है। ननु सुषुप्ति अन्न इति उक्तम न तत् समय इति पुनरुक्तम इति चेत ये इससे भिन्न है। ये कथन करने के बाद अब फिर जो है ये और वो सामान्य है ये बोलने से क्या मतलब है, मैंने क्या बोला ए बी ए से भिन्न है ये पहले बोला, फिर अब क्या बोल रहे हैं ए और बी समान नहीं, ये दोनों का तो एक ही अर्थ हो गया, बोलते एक ही अर्थ नहीं होता। इस प्रकार इस व्यक्ति से ये दोनों भिन्न है, पर ये दोनों भिन्न है कि नहीं है, ये इस व्यक्ति से ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, पर ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। भिन्नत्व मतलब बराबर नहीं है, भिन्नत्व मतलब भिन्न है और समानत्व मतलब समानत्व है, इसीलिए दोनों एक नहीं है। अन्नत्व और समानत्व ये दोनों में भिन्नता है ना, इसीलिए बोलते हैं आगे ननु शंका करने सुषुप्ते अन्न इति उक्ता सुषुप्ते ये भिन्न है ऐसा कथन करने पर न तत् सम वो उसका समान नहीं है ये पुनरुक्त मतलब वो उससे भिन्न है और ये उसका समान नहीं है, दोनों लगभग एक ही अर्थ हो गया। ऐसा करके शंका करने पर बोलते इति चेत न अन्नत्व समत्वयोर एक रूपत्व अभाव है ना, अन्न में रहता है अन्नत्व और सम में रहता है समत्व, भिन्न में रहता है भिन्नत्व धर्म और सम में रहता है समत्व धर्म, भिन्नत्व धर्म और समत्व धर्म एक नहीं है। भिन्नत्व मतलब भेद को दिखाएगा और समत्व मतलब एक रूपत्व को दिखाएगा, इसलिए दोनों एक चीज नहीं है, दोनों एक चीज नहीं है। अन्नत्व समत्व एक रूपत्व अभाव तथा ही पुरुष द्वितीय निरुद्ध मनोद्वय प्रचारस्य अस्ति अन्नत्वम् न परम समत्वम्। दो पुरुष ठीक है ना, द्वितीय मतलब छात्र दो से संबंध रखने वाले, दो पुरुष के संबंध रखने वाले दो मन है ना, इसलिए तथा ही पुरुष द्वितीय निरुद्ध मनोद्वय दो अलग अलग, आपने भी निरोध कर रहे मैं भी निरोध कर रहा हूँ, परंतु दोनों की स्थिति सुखी सुषुप्ति से अवश्य से भिन्न होने पर भी अपने प्रयास अपने साधन अपने जन्मांतर संस्कार और अपनी बोध तब अनुकूल मन की भिन्न होती है। ये तो एक ही क्लास में टीचर सभी को एक ही चीज पढ़ाते हैं तो बालकों को अलग कोई फर्स्ट कोई सेकेंड कोई ट्वेल्थ क्यों होता है, पता नहीं होता है। जैसे एक ही क्लास में एक ही टीचर सभी बालकों को एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, पहले जमाने जैसा पास्ता जैसे प्राइवेट ट्यूशन नहीं था, पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ते सामान्य सरकारी स्कूल में हम हाथ पैन पहनते वैसे ही, तो ऐसे अवस्था में तो परंतु कोई फास्ट होता था कोई फेल भी होता था, क्यों क्योंकि उनकी मनोगत अवस्था को ठीक इसे बताता नहीं। पुरुष द्वितीय वो दो पुरुष से संबंध रखने वाले निरुद्ध मनोद्वय दोनों ने अपने मन को निरोध किया, इन दोनों मन की प्रचारस्य इन दोनों के मन की प्रचार मतलब आचरण व्यवहार में अस्थि अन्नतम भिन्नता है न परम समत्तम, दोनों के मन में संस्थिति दोनों के बिल्कुल समान होगा ये बात नहीं है, इसलिए अन्नत और समत्व भिन्न होता है। तथा च अन्न इति उक्ते अपि महाभूत साम्य संघ, इसलिए इससे भिन्न है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सुषुप्ति से भिन्न है इसलिए सुषुप्ति के समान हो जाएगा ये नहीं है। सुषुप्ति की प्रजा भिन्न होता है और इसकी प्रजा कुछ भिन्न होता है,
बोलता है महापुरुष अंग संग के दोनों एक ही प्रकार सुषुप्ति में मन की प्रचार और निरोध अवस्था में मन की प्रचार ये एक हो जाएगा, ऐसा शंका नहीं करना चाहिए, ऐसा शंका नहीं करना चाहिए। सुषुप्त मन प्रचारे सुषुप्त मन प्रचारे इति असमत्व होती सुषुप्ति काल में मन की जो प्रचार और निरुद्ध अवस्था में मन की जो प्रकार प्रचार ये दोनों एक नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन की जो स्थिति और जागृत को सुषुप्ति बना करके निरुद्ध मन का जो स्थिति वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों एक नहीं है ये मैं कहना चाह रहे हैं। अभी आ जाइए आप एक दूसरे देखने मुझे श्लोक अक्षराणि भाषण श्लोक अक्षराणि व्याकर्तुं वृत्तं कीर्तयति श्लोक की अक्षरों को व्याख्या करने के लिए सहज जो कथन करके आया उसको भाष्यकार थोड़ा संबंध के रूप में कहते हैं। आज श्लोक में कहते हैं क्या कह करके आया आप अभी क्या कहना चाहते हैं मन के संबंध को दिखा क्या बोल के आया था मन अमन कब होगा आत्मसत्व अनुबोधे न संकल्प इसके बिना नहीं होगा मन मन जो है मतलब जागृत को सुषुप्त नहीं बना पाएंगे कब तक जब तक आप मैं आत्मा ही सत्य है और संसार में सारा वस्तु इसके ऊपर कल्पित है ये दृढ़ निश्चय करते रहेंगे आत्मा का वृत्ति ब्रह्म का वृत्ति तब जाकर के मन पूर्ण निरोध होता है। इसलिए बोलता है आत्म सत्य अनुबोधे न आत्मैव सत्य आत्मसत्य और तस्य अनुबोध आत्मसत्य अनुबोध और तेन पहले बोल करते हैं ठीक है आत्मैव सत्य आत्मसत्य तस्य अनुबोध कर्म कर्मधराय विशेषकृत पुरुष करके आत्मसत्य अनुबोध और तेन उसके द्वारा संकल्पम अपूर्वक संकल्प को नहीं करते हुए बाह्य विषय अभावे बाहरी विषय का जब मन के सामने अभाव हो जाता है तब क्या होता है निरिंधन अग्निवत प्रशांतम निकृहितम निरुद्धम मनोभवति इति उक्तम ठीक है ना निरिंधन अग्नि के समान जिस अग्नि में कोई ईंधन नहीं है वो बुझ जाती है शांत हो जाती है इसी प्रकार मन के सामने आप उछलने के लिए कोई ईंधन नहीं रह गया बाहर कोई विषय नहीं उनको इच्छा ही नहीं है निरिंधन अग्नि पर प्रशांतम है ना शांत हो जाता है प्रतिष्ठित रूप से शांत हो जाता है निगृहितम है ना निगृहितम मतलब क्या हो गया आपने बार 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 मन को समझा बुझा के कह दिया कि बाहरी वस्तु से तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है निगृहितम निरुद्धम मन जो मन निरुद्ध हो जाता है भगवती ईद की उद्यम ऐसा आपने पहले ठीक है एवं च मनुष्य ही अमनी भाव द्वैत अभाव इस प्रकार से आपने क्या कहा इस प्रकार स्थिति को अमनुष्य ही अमनी भावे द्वैत नहीं उपलब्ध थे इस प्रकार मन जब अमन हो जाता है तब आपको भेद नहीं दिखाई देगा एक आत्मा ही पूर्ण होता है कितना अनुभव में आ जाएगा एवं च मनुष्य ही अमनी भावे द्वैत अभाव उक्त द्वैत का अभाव भी कहा गया एवं एक नंबर टिप्पणी में मन से बेटी नहीं द्वैतस्य मनस्पंदित मात्र सिद्ध सिद्धि द्वैत क्यों है केवल मन का स्पंदन मात्र है आपका मन का स्पंदन अभी रूप से दिखाई देगा द्वैतस्य मनस्पंदित मात्र सिद्ध द्वैत मनस अमन भावे द्वैत नहीं उपलब्ध था तस्मिन विजृंभित सकलम विजृंभित मन मुंह खोलते हैं तो सब कुछ खोल के सामने आता है मन बंद है तस्मिन विनष्ट सकलम विनष्ट इसलिए द्वैतस्य मनस्पंदित मात्र के द्वैत जो दिखाई पड़ता है मन का स्पंदन मात्र होने के कारण सिद्ध हो जाने पर जो देश अभी सिद्ध हो जाने पर क्या बोलते हैं एक नंबर हो गया द्वैत अभाव द्वैत का अभाव है तस्य एवं निगृहितस्य निरुद्धस्य मनस इस प्रकार से जो मन को जब आपने मतलब विषय के अभाव के एवं मतलब मन निश्चय हो गया कि हमारी कोई विषय हमारे लिए उपयोगी नहीं है विषय के अभाव निश्चय हो जाने से कि निगृहित मन हो निगृहितस्य निरुद्धस्य मन जो निगृहित मतलब निरुद्ध जो मन है निर्विकल्प मतलब तो बाहरी वस्तु संबंध के विकल्प नहीं उठाता सर्व कल्पना वर्णस्य है ना सारा कल्पना करना बंद हो जाता है विवेक दृष्टि से जितना आप देखते रहेंगे किसी भी वस्तु को जितना आप विवेक दृष्टि से देखने का अभ्यास करेंगे उतना उस वस्तु संबंधित विकल्प बंद हो जाएगा जीवन के अनुभव से आप देख सकते हैं इसलिए वेदांति की सबसे सुंदर यही है जो शब्द कहते हो अपने जीवन में जितना आप विवेक दृष्टि से वस्तु को देखने का अभ्यास करेंगे उतना वस्तु संबंधित विकल्प आपका आ जाएगा मतलब ये इसके लिए आपको उपयोगी है या फिर निश्चय हो जाएगा कोचिंग के लिए कोई उपयोगी नहीं है इसीलिए बोलते हैं एवं निगृहितस्य निरुद्धस्य मनस्य विकल्पस्य सर्वकल्पना वर्जितस्य दो नंबर टिप्पणी देखा बोलते हैं सर्वकल्पना वर्जितस्य मतलब निखिल वृत्ति रहितस्य मन का सारा वृत्ति उस समय रुक जाता है इस प्रकार मन का
विवेक मतलब अब क्या हो गया, मन विवेकी हो गया, विवेक युक्त मन, मन जो है मतलब विवेक पूर्वक देखना सीख गया, अभ्यास करते करते अभ्यास करते करके अब विवेक पूर्वक देखना सीख गया, जो है धीमत अर्थ करते विवेक वतन, विवेक वाला मन। प्रचलन मतलब प्रचार है ना, तो उसका जो प्रचार मतलब उसका जो आचरण, प्रचलन प्रचार चल धातु मूल अर्थ में आता है, चरणी उसका विचरण कैसा हो रहा है, कैसा जाता है मन, इस प्रचार जब उसका जो प्रचार है सदु प्रचार हो, जो प्रचार को विशेषण तो ही विशेष रूप से जानने योग्य है, सभी व्यक्ति नहीं जान पाएगा उसको, जो विधि सभी व्यक्ति कहते हैं मन के मतलब मन के अधीन होकर के चलना हम अभ्यस्त हो गए, मन को हमारा अधीन होकर चलाना इसका अभ्यास हमने किया, इसका अभ्यास हमने किया, वो जो इसको मतलब हम मन का दोस्त बन गए, मन को अपना दोस्त नहीं बना, हम मन का दोस्त बन गए और जो मन को अपना दोस्त नहीं बना, मन को अपना दोस्त ऐसा होता है ना, एक व्यक्ति सत्संग करना चाहते हैं और एक व्यक्ति पिक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है, अब क्या है दोस्ती किसकी अधिक है, यदि आप उसके मतलब सत्संग वाला यदि उसके साथ दोस्ती करेगा पिक्चर देखने वाले के दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा, सत्संग छोड़ करके पिक्चर देखेंगे, और यदि पिक्चर देखने वाला यदि सत्संग का दोस्त करेगा उसको इसके सत्संग करेगा, तो मैं मन मत तो मैं कह रहा बुद्धि और मन है ना, तो बुद्धिपूर्वक मन का दोस्त मत बनिए, मन को अपना दोस्त, मन का दोस्त बनेंगे तो मन तो अपना प्रकृति के अनुसार चलने का कोशिश करेगा, उधर ही खींचेगा, विचार पूर्वक जब आप विवेक पूर्वक देखने का अभ्यास करेंगे तो मन चलिए, इसलिए ऐसे इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं उद्धरे आत्मनात्मनम आत्मनम अवश्य आत्मनि कोई आत्मनम बंधु आत्मनि कोई पुराण कौन सा आत्मा उनका केवल उद्धरणात्मक बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मैव आत्मना चित अनात्मनस्तु शत्रु के वर्त के अपने को शत्रु बने यदि षष्ठ और पंचमा षष्ठ करते हैं मैं साधु होने से पहले जिस माता जी के पास जाए एक बार कानपुर करी ना तो इच्छा हो रहा मन में मैं साधु हूँ तो मैं माता जी से पूछा था माता जी मैं साधु बन पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह खाओ पियो जो मस्त करो करते ही होगा तब एक तरफ छोटा सा इच्छा हो रहा है साधु जी बन गया तो माता जी ने कहा तो मैं भगवत गीता उतना ही पढ़ तो माता जी ने ये सुना देखो तू ही तुम्हारा मित्र तू ही तुम्हारा दोस्त भगवत आत्मा ही आत्मा मन का आत्मा का मित्र पूरा आत्मा और कौन तुम्हारा मित्र है कौन तुम्हारा शत्रु है यदि तुम भगवान प्राप्ति की चेष्टा करते और मन को समझा बुझा के बुझा दिया तो मन तुम्हारा दोस्त हो और मन तुमको चाहेगा तो समझा क्यों चाहे तो तुम मन का दोस्त करो इसलिए दूसरे का कोई हाथ नहीं है यहाँ पे तुम ही निश्चय करने का तुमको मन अपना दोस्त तब प्रचार शत्रु विज्ञेय देखिए शब्द की तरह भिन्नता है मन की दृष्टि रखने का कोशिश करें मन कैसे घूम रहे हैं मन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं इस प्रकार से हम थोड़ा विचार करते रहे इसलिए वेदांत में विचार ही साधन है वेदांत मुख्य रूप से विचार ही साधन है सब प्रचार विज्ञेय विशेषण ज्ञेय जो विधि सामान्य व्यक्ति जैसा विचार नहीं कर पाएगा जब आपने योग भी मतलब नहीं किया हुआ कि जब हमको भगवान प्राप्ति की इच्छा के ऊपर हो जाएगा इतना हम युक्त हो जाएंगे इस प्रकार की स्थिति में मन के ऊपर ध्यान रखना शुरू किया पूर्ववादी बोल रहे हैं कि तीन पद का अच्छे अर्थ हो गया निर्भीत मतलब पहला लाइन मन का विशेषण है और दूसरा लाइन मन की वृत्ति को देखना है ये बोल दिया अब जो है पूर्ववादी शंका करते हैं नानो सामान्य व्यक्ति की शंका भी ऐसे सर्व प्रत्यय अभाव समस्त वृत्ति का अभाव हो गया सर्व प्रत्यय सुषुप्त में स्थित मन का सुषुप्त स्थ और सुषुप्त में स्थित जो है उसका वो कौन है मन सब सुषुप्त में स्थित मन का जैसा प्रचार होता है ना सर्व प्रत्यय अभाव जागृश्य सुषुप्त स्थ मन से प्रचार जो मन का जो तादृश निरुद्ध से विषय उसी प्रकार निरुद्ध मन का भी ऐसे ही होगा तो सुनन शंका करने वाले बोलते हैं क्यों प्रत्यय अभाव अविशेषा यह
प्रत्यय की अभाव की अविशेष है, वहाँ भी कोई प्रत्यय नहीं है, अभी कोई प्रत्यय नहीं है, वृत्ति प्रत्यंत वृत्ति कोई वृत्ति नहीं है, इसलिए जैसे सुषुप्ति ऐसे ही हमारा जो है निरुद्ध मन ऐसे ही हो जाएगा। यदि हम ऐसा कहें शंका करते हैं यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रचार ठीक है ना, मनस सुषुप्तस्थ मनस प्रचार प्रचार मतलब अविद्या मात्र प्रजावशन आत्मक, अविद्या मात्र प्रजावशन आत्मक मतलब सुषुप्ति अवस्था में मन किसमें प्रजावशित होते हैं, अज्ञान में। सुषुप्ति अवस्था में मन अज्ञान, मन बोला ना कि सबके साथ एक होते हैं, ब्रह्म के साथ एक होकर के तो सोता है, परंतु एक पॉलीपैक के द्वारा आवृत होकर हो गया है अज्ञान की पानी, इसीलिए फिर उठ करके अलग हो जाता है, तो पानी अलग हो जाता है, इसलिए बोलता है अविद्या मात्र। फिर उठ करके बोलते हैं अपने आप बोलते हैं आनंद से तो सोया परंतु कुछ भी नहीं जाना, अपने को भी नहीं जाना, जिनको को डर लग गया इस प्रकार आपको ज्ञान से क्या लाभ है, जब अपने को ही नहीं जान पाता ये श्रीराम अपने भक्तों पर सभी घूम के वापस आए तो ठीक है। एकदम तो ये बोलते भूल अनुव्यक्त स्वामी यीशु को मैं तुमको दोबारा बोलूँगा बैठो फिर और 32 साल बैठ पैसा करके प्रजापति भी समझा अविद्या मात्र प्रजापनात्मक अविद्या मात्र में सब लय होकर के अज्ञान अवस्था में रहते कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने अस्तित्व भी समझ में नहीं आता उस समय। अच्छा इस प्रसंग से मैं बोल रहा हूँ उस समय अपने अस्तित्व भी समझ में नहीं आता, तो उठ करके आप बोलते हैं कि मैं आनंद से सोया बोलते हैं, और ये जो आपका स्मृति हो रहा है सुषुप्ति में, क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है ठीक है, तो जरूर कोई एक अनुभवकर्ता जगा हुआ रहता है जिसने ये अनुभव किया, क्या मैं आनंद का अनुभव किया, जिसने आनंद को अनुभव किया, तो जिसने आनंद को अनुभव किया वो जगा हुआ है, बाकी सारा चीज सो गया, इसीलिए ये अनुभव होने के कारण हम स्मृति में बोल सकते हैं मैं आनंद से सोया। परंतु यदि हर चीज सो गया शुद्ध आत्मा के अकेला आप अपने अनुभव कर सकते हैं विषय रूप में किसी को, शुद्ध चेतन विषय रूप में किसी को अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे ये चीज है क्या एकदम हमारे मन की जो चार भाग है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चित्त में वो संस्कार मतलब चित्त का दो फंक्शन है, एक टेप रिकॉर्डर जैसा वो रिसीव भी करते हैं डिलीवरी भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं डिलीवरी भी करते हैं, जैसे आपने इंद्रियों को मन बुद्धि पूर्वक आज्ञा दिया कि अभी मैं सोऊंगा, अभी मैं सोऊंगा तो क्या होता है इंद्रियों को अपने को विद्रोह करके यहाँ से ले चुके कभी नारियों के माध्यम से विधायकश में विधायकश में आकर के मन स्वप्नों का जब होगा जब तक वो उस नारियों के अंदर से आते वहाँ से उनका भाषण आए उस भाषणात्मक रस के साथ संपन्न होता स्वप्न देखते हैं, जैसे हृदय आकर्ष में पहुँच जाता है तो उसका स्वप्न देखना बंद हो जाता है, गहरे दिन में चला जाता है। अब इस समय क्या होता है पूरे चित्त की जो रिकॉर्डिंग भाग है ना वो चित्त की रिकॉर्डिंग भाग अपने आप स्विच ऑन हो जाता है, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा तो जब आत्मा नहीं सोता प्राण भी चल रहा, सिर्फ प्राण चलने के कारण चित्त की जो रिसीविंग भाग है वो रिसीविंग भाग उसको रिसीव करता है, क्या आनंद जो आनंद का अनुभव हो रहा तो रिसीव करता है। फिर मान लीजिए किसी मित्र से आपको कोई बाहरी इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, कोई जोर से आवाज किया मतलब किसी ने आपका शरीर को हिलाया, जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया था अच्छे अच्छे खाना खोना ला कर उसका सुगंधि मतलब अब ज्ञानेन्द्रियों में रश्मि में उसका क्षोभ उत्पन्न किया, जैसे क्षोभ उत्पन्न होता है जो भी आता है तुरंत वो जो आनंद को रिसीव कर रहा था वो स्विच ऑन हो जाता है, और फिर क्या होता है वो डिलीवरी करता है माइंड को, क्या डिलीवरी करते हैं अरे कोई तुमको बुला रहा है देखो तुम्हारी त्वगेंद्रियों में कोई क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, तुम्हारे ज्ञानेन्द्रियों में कोई मतलब कोई तुम्हारे श्रवणेन्द्रियों में अजी उठो जी और उठो जी श्रवणेन्द्रियों में आपको बुला रहा है वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है तब धीरे धीरे बोल जाए, इसलिए हमें निषेध है कि सोए हुए पुरुष को अचानक मत जगाओ, उसके बीमार पड़ सकते हैं, क्यों वो जो हृदय आकाश में और सोते हुए व्यक्ति अपनी इंद्रिय गोलोक में आने के लिए जल्दीबाजी करेगा ना तो वो भी विधान उधर नाड़ी में चला जाता है फिर वो नाड़ी फंक्शन करना बंद हो जाता है, उसको मतलब हृदय में करते समय से देखा कि विशेष हो गए और डॉक्टर भी बोलते हैं इसको फिर उसका जो है जो विशेष है उसको चिकित्सा कठिन हो जाता है, नहीं ठीक होता है, तो ये जो सुषुप्ति की अवस्था और परंतु जागृत को जब सुषुप्ति वाले हैं तब ऐसा नहीं, तब ऐसा नहीं,
इसलिए हम बोलते हैं कि प्रचार अंत अविद्या मात्र प्रजा वसन आत्मा को अविद्या मात्र में प्रजा वसन होकर रह जाता है। अच्छा एवं निरुद्ध प्रत्यय अभाव अविशेषा क्योंकि वहाँ पे वृद्धि के अभाव सामान्य से किम तत्र विज्ञान वहाँ पे जानने के लिए क्या रहेगा वो तो हम रोज अनुभव करते हैं ऐसा कोई शंका करते हैं अत्र उच्चते यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं सुनो ऐसी बात नहीं है नहीं बम जैसा तुम समझ लो ऐसा बात नहीं है मन को लेकर के विचार करते हुए देखो मन के साथ खेल करके देखो तब पता लगेगा जैसे बाहरी वस्तु के साथ खेलते हैं ना हमको अच्छा लगता है अपने मन के साथ खेलो अपने मन को विषय बना करके उसको कंट्रोल करने का कोशिश करो तब देखो पता लगेगा क्या होता है यही बात जस्मात सुषुप्ते अन्न प्रचार क्योंकि सुषुप्त में जो प्रचार है वो भिन्न है अन्न प्रचार वहाँ पे कैसा प्रचार है इसलिए को ध्यान दीजिए अविद्या मोह तम प्रस्थस्य अंतर्लीन अनेक अनंत प्रवृत्ति बीज वासनागतो मनसः ठीक है वहाँ पे क्या होता है अज्ञान अज्ञान ही मोह है उसको क्या होता है आवरण होता है उस आवरण के तरह ग्रसित अविद्या मोह तम प्रस्थस्य उसका तरह ग्रसित जो है अंतर्लीन उसके अंदर अंदर छुपा हुआ है अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज अनेक अनर्थ का प्रवृत्ति बीज वहां में छुपा हुआ है कहाँ अज्ञान में अज्ञान रूपी तम मतलब अविद्या मोह तम ग्रस्त अविद्या रूपी मोह जो आवरण है उस आवरण के तरह ग्रसित जिसमें अनेक अनर्थ का बीज छुपा हुआ सबसे बड़ा अनर्थ यही है जन्म फिर उसके बाद अजन उसके ऊपर क्या क्या निर्देश होता है अंतर लेना अनेक अनर्थ बीज वासना का इस प्रकार वासना जो अनर्थ का बीज जो वासना वासना वाला मन का उस मन का क्या होता है देखिए जो सुषुप्ति वाला उस मन का आत्म सत्य अनुबोध भूताश विपृष्ट क्या साधन करने के लिए बोला था आत्म सत्य अनुबोध ही ना संकल्प ये जाना तो एकमात्र भगवान ही सत्य है बाकी सारा मिथ्या है कोई उपयोगी नहीं है आत्म सत्य अनुबोध आत्मा ही सत्य है इसको बार बार विचार के फल स्वरूप आपके अंदर एक आंख से भूताश मतलब एक आंख विवेक की आंख वैराग्य की आंख उसके तरह का जल जाता है विपुष्ट पुरुष दाहे धातु है उसका निष्ठा रूप है और विशेष रूप से जल जाता है ज्ञानाद्य सर्वकर्मण में देखिए कि कैसे प्रकार ज्ञान अज्ञान को नाश करते हैं आत्म सत्य अनुबोध भूताश विपुष्ट आत्मा ही सत्य है इसकी बार बार विचार के फलस्वरूप उससे जो उत्पन्न होता है विवेक अथवा वैराग्य उससे क्या होता है जल जाता है क्या जल जाता है अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीजस है ना अविद्या तो समस्त अनर्थ का बीज जिसमें छुपा है वो बीज जल जाता है अब मान लीजिए आपके घर में हमारे प्रत्येक घर जिसके घर में खेती आदि होता है जो भी एक साल जो उत्पन्न हुआ अगले साल के लिए कुछ बीज के रूप में रख देते हैं कुछ खाते हैं कुछ बेचते हैं कुछ बीज के किसी दुर्घटना से यदि उस बीज में आम लग गई फिर उस बीज को खेत में डालने से फसल रुकेगा कि नहीं होगी यही होता है यही यहाँ पे क्योंकि आत्मसत्य अनुबोध उपास विपुष्ट आत्मसत्व अनुमोदन विपुष्ट क्या हो गया अनर्थ अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीज अविद्या रूपी अनर्थ जो प्रवृत्ति के लिए बीज है वो जल जाता है वो जल जाता है इसलिए बोलते हैं अनर्थ प्रवृत्ति बीज निरुद्ध इसलिए ये जो है ना निरुद्ध अन्न एवं ये जो निरुद्ध मत से ये जो है सुषुप्ति अवस्था की जो है ये भिन्न होते प्रशांत सर्व क्लेश रजस स्वतंत्र प्रचार अभी तक हमारा मन का जो प्रचार था वो क्या होता है वासनाओं के द्वारा पीड़ित होकर के मन का प्रचार होता था और अभी मन का प्रचार क्या हो जाएगा आत्मसत्य अनुभव अभी किसी के द्वारा दबाव में नहीं आती मन पर विस्तार नहीं करता और स्वतंत्र अब परंतु हमारा स्वतंत्रता हमारी स्वभाव है और हम अभी अज्ञान दशा में स्वतंत्रता सोचते हैं जैसा मेरा मन चाहे ऐसे मैं कर पाऊँ तो मैं स्वतंत्र हूँ परंतु मैं जब अनजान से अपनी मनोवृत्ति का गुलामी करती हूँ समझ में नहीं परंतु जब आत्मसत्य अनुबोध भूताश विपृष्ट के द्वारा जो अनर्थ अनंत अविद्या के बीच जब नाश हो जाता है तब क्या होता है वासना के द्वारा प्रेरित होकर जो मन फैलता नहीं तब हर जगह आत्मरूप नहीं फैलता हर जगह का आत्मबिंदु भी निकलता है भेद दृष्टि से नहीं फैलता आत्मरूप मन प्रतिष्ठा के साथ एक हो गया परंतु पूर्ण आत्मा की व्यापकता को मन ये करके उसको प्रचार इसलिए दोनों प्रचार एक नहीं है
निरोध की प्रचार अशुद्धि की प्रचार फिर तो होता है। निरुद्धस्य एव अन्न प्रशांत सर्व क्लेश रजसं स्वतंत्र भजे। समस्त राजसिक जो क्लेश था, क्लेश पंच क्लेश अभी दस के सभी के सारा क्लेश नाश हो जाता है। यहाँ पे स्वतंत्र प्रचार हो, आप जो है वो किसी के द्वारा गाइडेड होकर के मन, मतलब अपने वासनाओं के द्वारा मन को जो प्रचार हो जाए वो प्रचार अभी नष्ट हो गया। आप क्या है स्वतंत्र आत्मशक्त से स्वतंत्र रूप उसका प्रचार इसका भी होता है। अब तो न तत्समय, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जो मन का निरोध मन है और जो है अपने जागृत में बैठ के सुषुप्ति में जाना चाहिए मन की स्थिति होती है, ये तो है यदि मस्ती नहीं है तो न तत्समय, इसलिए दोनों समान नहीं है। तस्मात युक्त स विज्ञान विद्या, इसलिए वो जो प्रश्न किया था इसमें विशेष जानने का क्या है क्या, वो तो एक ही है। नहीं नहीं, यही तो विशेष रूप में जानना कि प्रचार क्या होगा, तभी तो जीवन मुक्ति का आनंद ले पाएगी। इसलिए न तत्सम तस्मा युक्त स विज्ञान, इसलिए ये कहना युक्ति संगत है कि वही जानने योग्य क्योंकि अभिप्राय भी इसके अंदर अभिप्राय छुपा हुआ है। यहाँ ये तीन नंबर टिप्पणी दिखेगा, अतः न तत्सम, ठीक है ना। अतः सुषुप्त मन प्रचारा निरुद्ध मन प्रचारस्य अत्यंत विलक्षणत्वात्, अतः ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था के मन की प्रचार से पंचमी है, इससे इसका सुषुप्ति अवस्था में मन की स्थिति और जागृत को सुषुप्ति बनाने के निरुद्ध मन की स्थिति विलक्षण है। विलक्षण इसलिए बोलते हैं सुषुप्त मन प्रचारा, सुषुप्ति में मन की जो प्रचार है उससे निरुद्ध मन प्रचारस्य, निरुद्ध मतलब आत्मसत्व अनुभव से जो मन का निरोध होता है उसका जो प्रचार होता है ना, अत्यंत विलक्षणता, बिल्कुल विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है, सामान्य बिल्कुल विलक्षण है। कोई जो यहाँ पे बोले कि विलक्षण कठिन मात्र ना तत्सम, इसलिए दोनों बराबर है। तस्मात युक्त स विज्ञातों के अभिप्राय, इसलिए उसी को जानने का जो ये कहना जो ठीक है ना, यही भी रखेंगे टीका में पूरा नहीं होगा, इसको दोबारा टीका के साथ दोबारा पूरा होता ना, क्योंकि यहीं से शुरू होता है यहाँ से लेकर के कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, और मन की कैसे कैसे आप देखेंगे, जैसा उन्होंने अनुभव किया कुछ अपना अनुभव यहाँ से बताया। इसको इतना ही जगह जो है मुख्य रूप से साधन के रूप में कहना है यहाँ से। आज ग्रंथा का कल पहला वाला किए थे, पहले किया आज पहले नहीं कल पहले वाला किए थे, लास्ट वाले में लास्ट किया पहले सेकंड पहले पहला पहला वाला हाँ ठीक। अजम अजमपि योगम प्रापदैश्वर्ययोगात्मकम् शांति शांति शांति।